विल बी प्लेइंग अ सेगमेंट विथ यू, बट उसके पहले हम ओके सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से ले रहे हैं. समवन हैज आस्क्ड दैट इफ यू हाइपोथेटिकली अगर आप प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के लिए, तो वो एक चीज क्या है जो आप बदलना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लिए. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के बावजूद ऐसा क्वेश्चन इंटरेस्ट पहली बार पूछा है किसी ने मुझसे. आई हैव टू थिंक अबाउट इट, बट आई कैन जस्ट से दैट अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी कर रहे हैं, दैट्स परफेक्ट, दैट इज अपलोडेड इन द होल वर्ल्ड. सो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता, टच वुड, तो मैं भी यही करता. एंड ऑफकोर्स गो ऑन द राइट पाथ, देश की सेवा, समाज की सेवा, दैट्स द फर्स्ट थिंग. सो जो भी सबके लिए सही है, प्रजा के लिए सही है, एंड आफ्टर वॉचिंग रामायण, राम राज्य स्थापित करना, दैट्स द बिग थिंग. सो इट्स लाइक दैट. ओके कूल. तो दिस सेगमेंट इज बेसिकली कॉल्ड पोल खोल. विल बी आस्किंग यू अ ओके फ्यू, विल बी गिविंग यू, हम आपको कुछ टैग्स देंगे एंड वो टैग्स से आप जिसे भी रिलेट कर सकते हो अपने कास्ट ऑफ मालवीय रिटर्न्स में से, या जो भी आपके इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं, आपको बस उनका नाम बोलना है. कूल. सॉरी, जस्ट अ सेकंड, कैन यू हाँ, एक्सप्लेन आई इट टेल यू. वंस अगेन? I'll, yeah, so basically I'll be giving you some words and Balvi returns के cast में से, या फिर आपके industry में जो भी friends है, जो भी tags को match करते हैं, आपको बस उनके नाम ओके लेने. Cool? Okay, so the ओके ओके first is, yeah, who's the biggest foodie? बिगेस्ट फूडी Yeah, पुरवेश on your पिंपले. set friend. Sorry, पुरवेश who? पिंपले, मॉन्टू, द कैरेक्टर हु Okay. प्लेड मॉन्टू इन सीजन वन, पुरवेश Okay. पिंपले. प्रैंकस्टर, Okay, biggest prankster. प्रैंकस्टर आई हैवंट मेट एनीवन लाइक दैट येट. प्रैंक्स तो मैं भी करता हूँ, ज्यादा थोड़े बहुत प्रैंक्स तो मैं भी करता हूँ सेट पे, तो इट कैन बी मी. ओके. कोई ऐसा प्रैंक रिवील करना चाहेंगे, छोटा बड़ा, जो भी आपने किया था, एनी जो आपको याद है, ध्यान में है, एनी प्रैंक? मैंने अकेले ने नहीं, हमारी पूरी यूनिट ने किया था. हमारे श्रीधर भाई के साथ जो तौबा तौबा का रोल प्ले कर रहे हैं, इट वॉज लाइक ही वॉज स्लीपिंग इन द सीन. And he slept, and we turn off the lights, and the whole crew went out of the studio, and he was still sleeping. And he was thinking like the shot is going on, shot is going on. And for almost next 5 to 10 minutes, he was sleeping there, thinking that shot is going on. So it was the biggest prank we have ever did, क्योंकि एक्टर को पता ही नहीं है कट हो गया, शॉट सब निकल गए, एंड वी ऑल हैड लंच. सो इट वॉज लाइक फन. और ऐसे छोटे मोटे प्रैंक्स हम सेट पे करती रहता. ओके. हु इज द स्लीपिंग ब्यूटी, जिसे सोना बहुत पसंद है? आई मीन, इफ देयर इज अ ब्रेक या फिर उनके सीन को टाइम है, तो ही और शी लव्स टू स्लीप. ऑल द फेरीज आई कैन से, सारी परिया जो है हमारे सेट पे, शफली. अगर सीन नहीं है, जैसे आधे घंटे का ब्रेक है, सो दे विल गो टू स्लीप, एंड दे आर लाइक अगेन स्लीपी मूड, या फिर सेट पे आते हैं तो परिया हो सकती है ऑल हु इज द द लेट लतीफ? सेट पे लेट कौन आता है? टाइम. लेट लतीफ, ओके, नाउ दैट्स क्रिटिकल क्वेश्चन. ओके, लेट कौन आता है? दो तीन लोग है लेट आते हैं, जो लेट आते हैं. दे विल अंडरस्टैंड. हु कम्स ऑन टाइम? चलो ये तो बता दो, हु कम्स ऑन टाइम? ओके, सो श्रीधर भाई कम्स ऑन टाइम, मी कम्स ऑन टाइम, मी मतलब मैं, और भाईमार जी कम्स ऑन टाइम. हाँ, वी मोस्टली कम ऑन टाइम, हम मोस्टली आ अच्छा. जाते हैं, मतलब सेट पे अराउंड कॉल टाइम के 10-15 मिनट पहले हम आते हैं और गपशप करते हैं, चाय वाय पीते हैं. सो वी आर लाइक थ्री फ्रेंड्स सिटिंग टुगेदर. ओके. शॉर्ट टेम्पर्ड कौन है? गुस्सा किसको जल्दी आता है? पवित्रा दीदी आई कैन से तिमनासा हो ओके जाती, क्योंकि है दीदी थोड़ी एक्टिव है उस मामले में, शॉर्ट टेम्पर्ड. ओके ओके. कौन है जो 24/7 खुश रहता है? आई मीन, ही और शी इज ऑलवेज हैप्पी. आपने रेयरली कभी उनका बुरा मूड देखा है? मी आई आई अच्छा, सेट पे यू आर ऑलवेज सबसे ज्यादा हैप्पी. खुश है. यस, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज कूल. जैसे अगर बहुत ज्यादा गर्मी भी है, सेट पे झगड़ा चल रहा है, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग ऑल द टाइम बिहाइंड द सीन्स, तो गाना गाते रहता हूँ, अपने मन में रहता हूँ, ऐसा आई एंजॉय द होल प्रोसेस. ओके. चैटर बॉक्स कौन है? कौन कौन है जो बहुत ज्यादा बोलता है एंड बहुत ज्यादा से बातें करना पसंद है? बहुत ज्यादा बातें करना पता है पसंद है. इट कैन बी टू, तो अभय अभय भदौरिया.
जो चिंटू का रोल प्ले करता है बालवीर रिटर्न्स में. सो ही इज अ राइट. वेरी टॉकेटिव एंड वेरी क्यूट बॉय. एंड हु इज द लिसनर, जो लोगों की बातें सुनता है, यू नो, बोलने से ज्यादा. ओके लिसनर. नहीं ऐसा नहीं है, सब बातें सब तो करते हैं. लिसनर तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली मैंने नहीं देखा. अच्छा, ओके. हु इज द गॉसिप मॉन्गर, जिन्हें गॉसिप करना बहुत पसंद है, या यू नो, बातें बताना ऐसे बहुत पसंद है, कोई दो लोग. गॉसिप करना पसंद है. ओके गॉसिप 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 गॉसिप. हमारे सेट पे मोस्टली गर्ल्स है तो करते रहते हैं गॉसिप. और हाँ मतलब लड़कियों के ग्रुप में परिया है या फिर अनन्या है या फिर जो बच्चे हैं खुशी है चिंटी है, तो वो सब आपस में बच्चों के टॉपिक्स पे या फिर बड़े हैं तो उनके टॉपिक्स पे गॉसिप करते रहते हैं. राइट, ओके, ठीक है. ओके, सबसे कौन वो दो लोग हैं जो इनसेपरेबल्स हैं, मतलब आप हमेशा देखेंगे वो दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खा रहे हैं या फिर चैट कर रहे हैं, तो वैसे कौन दो लोग हैं आपके सेट दो लोग हमारे सेट पे. पे? सो यस इट कैन बी तीन लोग हैं. सुतली सुतली देन खुशी एंड गोपू, तीनों बच्चे हैं हमारे सेट पे. तो तीनों हमेशा मोस्टली साथ में होते हैं, साथ में खेलते हैं, दे मेक टिकटॉक वीडियोस टुगेदर एंड दे हैव ऑल द फन. मतलब बच्चों वो लोग आके आते हैं, अपना खुद का नर्सरी किंडरगार्टन खोल लेते हैं और मस्ती करते रहते हैं. ओके, ठीक है. लास्ट फ्यू क्वेश्चन, पैकअप की जल्दी किसको रहती है? बैकअप की जल्दी किसको रहती है? मोस्टली ऑल एक्टर्स लिविंग मी. आई एम द लास्ट वन टू गो फ्रॉम द सेट अच्छा. मोस्टली एवरीडे. क्योंकि क्या होता है, बालवीर का क्लोज लास्ट में हो जाएगा या फिर बिकॉज लास्ट 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 में बहुत जल्दी शूट होता है, सीन खत्म करना होता है. सो आई डू इट फास्ट. लेकिन बाकी एक्टर्स होते हैं तो जल्दी जल्दी खत्म करना है, जैसे काल लोक के हैं या फिर मी है, मतलब मेरे वीर लोक में या फिर धरती लोक में मैं हूँ या फिर काल लोक में भयमार है, सो ही इज द लास्ट पर्सन टू गो, या फिर जगदाली है, अतुल भैया है, सो वी आर ऑल ऑफ द सेम कि हम लास्ट जाएंगे सेट से. राइट, राइट, ओके. हु टेक्स द मोस्ट टाइम टू गेट रेडी? गेट रेडी. ओके सबसे ज्यादा टाइम आई थिंक परियों को लगता है, तिमना सा है एंड परिया है तो उनको ज्यादा टाइम लगता है रेडी में बिकॉज दे हैव ऑल द कॉस्ट्यूम एंड एवरीडे मेकअप होता है, तो परियों को ज्यादा टाइम लगता है, फेरी स्टेक होता है. ओके, ओके, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि आप फैमिली में कौन एक ऐसा फैमिली मेंबर है जिसके आप सबसे ज्यादा करीब हैं? मेरे दोनों मम्मी पापा दोनों के साथ मैं एकदम मम्मी पापा सबके दोनों के साथ सब एंजॉय करता हूँ. दोनों मेरे बहुत करीब है, ऐसी एक भी बात नहीं है जो उनको मेरे बारे में पता ना. एंड इट्स ऑल लाइक बेस्ट फ्रेंडशिप, हम तीनों की बेस्ट फ्रेंडशिप है, तो इट्स नॉट लाइक कि हम फैमिली मम्मी पापा या फिर मैं हूँ झगड़ा होता है, ऐसा नहीं. हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, डांट भी देते हैं, सो इट्स ऑल फन. ओके, ओके, ओके. आई डोंट नो बट टू थ्री फैंस हैव यू नो आई हैव आस्क्ड दैट इफ यू कैन सिंग अ सॉन्ग फॉर देम, सो आई डोंट नो, दे हैव आस्क्ड. अच्छा ओके सो दे या थिंक एनी दैट आई एम अ गुड सॉन्ग? सिंगर बट आई एम नॉट दैट गुड सिंगर. ओके सो माय मॉम्स बर्थडे वाज जस्ट 2 डे बिफोर, तो मेरी मम्मी के लिए मैं गाना गा देता हूँ. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू टंग टंग, हैप्पी बर्थडे टू यू टंग टंग, हैप्पी बर्थडे टू मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू. यस ओके, कूल, थैंक यू सो मच. ओके, समवन हैज आस्क्ड हाउज योर बॉन्ड विद अनन्या? ओके अनन्या के साथ सो इट्स फर्स्ट टाइम कि किसी फीमेल पार्टनर के साथ आई एम शूटिंग, क्योंकि सीजन वन में देर वॉज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक दैट, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज है. एंड इट्स वंडरफुल दैट शी इज अ गुड को एक्टर, उसका फर्स्ट टाइम है टेलीविजन पे और बहुत मजा आता है. हम दोनों को नोक झोंक भी होती है सेट पे और मजा भी करते हैं. अभी क्या है, ऑडियंस इज लाइकिंग मोर द बॉन्ड ऑफ देवू एंड अनन्या. सो देबरनिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो सीन्स है,
वो नकाबपोश की आइडेंटिटी ढूंढना चाहती है और वो अलग अलग चीजें ढूंढ रही है, मैं उसको परेशान करता हूँ. सो वी आर लाइकिंग, पीपल आर लाइकिंग दैट नोकझोंक. सो मोस्टली सीन्स होते हैं वो हम दोनों के होते हैं. सो वी एंजॉय इट लॉट और हम मजे से करते हैं एंड वी आर रियली गुड फ्रेंड्स. ओके, बालवीर के आने वाले ट्रैक में हमें क्या दिखेगा? बालवीर के आने वाले ट्रैक में सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक. हमने धीरे धीरे नकाबपोश जो है वो एक एक करके पहेलियां पार कर रहा है, जो सर्वकाल है उसने पहेलियां दी है. सो ध्रुव तारे तक पहुंचा है, लेकिन ध्रुव तारे पर वहां पे कौन मिलता है, उसके साथ क्या बातें होती है, उसे फिर धीरे धीरे पता चलता है कि हु इज बिहाइंड ऑल दिस. तिम्नासा इज नेगेटिव, बट वाई शी इज नेगेटिव, वाई शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, वाई शी वॉन्ट्स टू टेक द पावर ऑफ सर्वकाल, सर्वकाल कहाँ से आया. सो इट्स लाइक बालवीर वर्किंग बिहाइंड द नेम ऑफ नकाबपोश और देबू टू रिवील द आइडेंटिटी, द ट्रू वर्क ऑफ एवरीथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड दिस. सो इट्स धीरे धीरे रिवील और बहुत मजा आएगा. Okay, someone has also asked, how's the preparation of your exam going on? Okay, so I prepared for my exams and I was about to come for my exams on 22nd March, but from 18th March, as everyone knows, shooting went off and 23rd March से ही lockdown लग गया. So my exams are postponed for no one knows till when. But I am a very good student, so not bragging about that, but अच्छे से पढ़ता हूँ. So set पे भी I am always prepared and thanks to my friends for that. Who send me notes every day and very frequently, and we study bestly. Yeah. Okay, so thank you so much, Dave, for this live chat session. But I just wanted to ask you, because वो हमने पहले live chat में पूछा था, but voice उतनी clear नहीं थी, कि इस quarantine time में किस तरह से work बिता रहे हैं, क्या hobby कुछ बनाना आपने सीखा है, anything जो आप अपने fans को बताना चाहेंगे? Okay, so yes, मैं यहाँ पे अपने क्वारंटाइन में मम्मी को कुकिंग में हेल्प करता हूँ. I have started learning something new, like mythology से पुरानी या फिर politics से related books है. Psychology में interest है मुझे, तो parapsychological study है या फिर अलग अलग studies है, तो मैं धीरे धीरे study कर रहा हूँ. Films है तो हर रोज एक नया concept पे film देखते हैं, ऐसा नहीं है. We are not web series people, तो हम film देखते हैं तो डिस्कस करते हैं उस पे, वो फिल्म कैसी बनी है, क्या अच्छा हो सकता था, क्या बुरा हो सकता था. वी वॉच बालवी रिटर्न्स, तो बालवी रिटर्न्स के जो एपिसोड शूटिंग की वजह से नहीं देख पाते हैं. सो आई वी वॉच दैट विद फैमिली एंड वी डिस्कस अ लॉट ऑन इट. सो इट्स लाइक वी आर एंजॉयिंग द क्वारंटाइन. ऐसा नहीं है कि अब आई एम फीलिंग बोर्ड. मोस्ट ऑफ द पीपल से कि बोर हो गए, अब क्या करे, कुछ काम नहीं है, बाहर नहीं जा सकते. इट्स नॉट लाइक कि आप बाहर ही है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो अपने अंदर जाइए, अपने अंदर खोजिए. हु आर यू, फाइंड योर बेस्ट, थिंक अबाउट कि आपको क्या क्या इंटरेस्ट है, स्टडी कीजिए. कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद है तो वो सीखिए एंड डू योर बेस्ट एंड डोंट वेस्ट दिस टाइम. आई कैन जस्ट से दैट. देव, किसी ने पूछा कि कौन सा कैसा सीन है बालवीर में जो आपके हिसाब से आप उस सीन को थोड़ा और अच्छा कर सकते थे? इज देयर एनी पर्टिकुलर सीन फ्रॉम बालवीर? एनी पर्टिकुलर सीन फ्रॉम बालवीर? विच यू सो थिंक कि नो, आप और ऐसा अच्छा कर सकते थे? वी हैव डन द बेस्ट वी कैन डू. बिकॉज क्या है, उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है. लाइक द शिफ्ट इज स्टार्टिंग और द शिफ्ट इज एंडिंग, तो उसके हिसाब से सीन के स्पेस में भी, सीन के क्वालिटी में भी फर्क पड़ जाता है. बट एट द एंड ऑन द टेलीकास्ट व्हेन आई सी इट, आई एम सेटिस्फाइड. जो मैं करता हूँ वो अच्छा दिखता है, जो हमारे डायरेक्टर सर बनाते हैं वो क्लियरली अच्छे से दिखता है और लोगों को पसंद आता है. दैट्स द बेस्ट थिंग. सो आई प्रिफर दैट एंड आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड विद. Okay, and what has been the best scene according to you of yours in Balveer? Best scene will be the first episode, the fight of me and the Danav. So that was a whole lot thing, and we shot for 2 days for that one episode, and it was very hard work. मतलब हार्नेस पे 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, अब यू आर टायरिंग. परिया है, तिमनासा है, फर्स्ट टाइम बालवीर तिमनासा मीटिंग. सो इट वॉज ऑल द झोल झपाटा गोइंग ऑन एंड इट वॉज द बेस्ट पार्ट एंड आई एंजॉयड दैट सीन अलॉट. बहुत कुछ सीखने को भी मिला बालवीर रिटर्न्स के उस सीन में से. सो आई एंजॉयड दैट अलॉट. Okay, we are taking the last question. Someone is asking, who's your favorite Bollywood actress? Sorry, favorite Hollywood? Bollywood actress. Bollywood actress. Okay. Okay, that's actress कभी सोचा नहीं मैंने, but it can be Yami Gautami. I like her films. Then
काजोल मैम एंड ऑफ कोर्स राकुल प्रीत सिंह. Okay, okay. So, Dev, also thank you so much for doing this live chat session. And जाते जाते हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे एक फैन ने रिक्वेस्ट की थी अपना एक बालवीर का कोई भी डायलॉग आप बोल दें, and I think this would be the best way to end this chat session. Sure. So, आप सबको भी thank you so much live में join होने के लिए. Thank you so much Glitz Vision USA for giving this wonderful opportunity to talk with my fans and wonderful questions to me. Thank you so much. Love you all. And dil se bulaya, Balveer aaya. Thank you. Okay. Thank you so much. Bye. Take care. Bye-bye. Take care. Bye.